अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद नमीर हसन और आज हम लोग आगाज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट का, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। ठीक है जी, इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइड्रोजन का चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और चूंकि बाकायदा हाइड्रोजन की क्या क्या अहमियतें थी जिसकी वजह से उसके ऊपर पूरा चैप्टर जो है वो लिखा गया है, वो भी आपसे जो है वो डिटेल में उसकी डिस्कशन हो गई थी। आज हम लोग टू बी वेरी स्पेसिफिक एस ब्लॉक एलिमेंट्स को जो है वो चेक करेंगे, इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर से किस किस वेरिएशन में सवालात जो है वो बन सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हमें एप्टीट्यूड के हवाले से इस चैप्टर में जाननी है। ठीक है जी, अगर हम लोग देखें एस ब्लॉक को, ठीक है जी, ये हमारे पास मौजूद है हमारा पीरियोडिक टेबल। जरा मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से कुछ बुनियादी बातें बता दूं। जो इनऑर्गेनिक का पहला पोर्शन होगा उसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे एस ब्लॉक। ठीक है जी, यानी कि इस वक्त हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एस ब्लॉक। ठीक है जी, ये एस ब्लॉक का आता है, ये एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, इसमें जो फ्रांशियम और रेडियम है इसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, इनकी केमिस्ट्री को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये मैंने इनको काट दिया। ठीक है जी, इधर आ जाते हैं भाई फिर पी ब्लॉक के ऊपर। अगला जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से, उसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल के इस हिस्से को जो है वो डिस्कस करेंगे, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और कोर्स आउटलाइन के अंदर तमाम बातें इसके हवाले से जो है वो देखेंगे। ठीक है जी, फिर जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है जो कि लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखेंगे जो कि पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल बीचों बीच आते हैं। ठीक है जी, ये हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे, इनकी मुख्तलिफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ना जैसे जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स की हम लोगों को एक्सट्रैक्शन भी पढ़ने को मिलेंगी। जैसे ये सोडियम है, ये जो है आप एस ब्लॉक के अंदर पढ़ोगे, आप इसकी एक्सट्रैक्शन भी पढ़ोगे कि इंडस्ट्री के अंदर सोडियम को किस तरह रिफाइन करा जाता है, किस तरह जो है वो सोडियम को जो है वो हासिल किया जाता है। इसी तरह जो है वो हम लोग अल्मोनियम के हवाले से भी पढ़ेंगे। ठीक है जी, हम लोग मुख्तलिफ चीजें जो है ना आगे जाके इसके हवाले से स्टडी करेंगे। हम लोग एलिमेंट्स की भी जो है वो कुछ स्पेसिफिक जो है वो एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे प्योर एलिमेंट की भी, और मजीद हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम की मदद से कोई ना कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता होगा, या कैल्शियम है इसकी मदद से कोई इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता होगा, तो वो कंपाउंड किस तरीके से बनता है और उसके क्या यूसेजेस हैं ये भी पढ़ेंगे। जरूरी नहीं है कि हम लोग सबके सब पढ़े, जैसे बेरिलियम का भी पढ़े, लिथियम का भी पढ़े, पोटेशियम का भी पढ़े, ऐसा नहीं है। हम लोग कोई एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो हमारे कोर्स के अंदर मौजूद होगा, जो हमारी किताब के अंदर मौजूद होगा, हम उसके कंपाउंड की स्टडी भी करेंगे और एलिमेंट्स की भी हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के को मद्देनजर जो है वो रखते हुए। यही हमारी जो है वो जो सिचुएशन होगी वो पी ब्लॉक के अंदर भी होगी और यही डी ब्लॉक के अंदर भी होगी, यानी कि आपको स्लाइड सा जो है वो सेकेंड ईयर के पोर्शन के अंदर जो है वो टच दिया जा रहा है, आपको जो है वो बर्ड आई व्यू दिया जाएगा सेकेंड ईयर के पोर्शन। आप वैसे भी इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे क्योंकि आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आप लोग अच्छे तरीके से ये बात जानते होंगे कि एक बर्ड आई व्यू के जरिए जो है वो हमारे सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक के कोर्स के अंदर जो है वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की जो है वो अकॉर्डिंग टू ब्लॉक वो एक्सट्रैक्शन भी दी गई है और उसके कंपाउंड्स के हवाले से, उनकी प्रिपरेशन के हवाले से, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से और उनके यूसेजेस के हवाले से जो है वो बात भी की गई है। ठीक है जी, और यही हमारे कोर्स आउटलाइन का जो है वो हिस्सा रहेंगी। और अब हम अपने जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पोर्शन के ऊपर जो है वो आगाज करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जनरल केमिस्ट्री ऑफ वन ए ग्रुप अल्कली मेटल। देखिए भाई, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इनके अंदर दो ग्रुप हमारे पास मौजूद है, एक है ग्रुप वन ए और एक है ग्रुप टू ए। ठीक है जी, ग्रुप वन ए को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं और ग्रुप टू ए को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। अभी फिलहाल हम लोग जनरल केमिस्ट्री पढ़ेंगे ग्रुप वन ए अल्कली मेटल्स की। ठीक है जी, सबसे पहले इनकी जनरल केमिस्ट्री हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, ये आ गए हमारे पास ग्रुप वन ए के मेंबर। सबसे पहला मेंबर होता है लिथियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है पोटेशियम, फिर होता है रुबीडियम, फिर होता है सीजियम। ठीक है जी, इनकी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास लिखी हुई है। अगर हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, ग्रुप वन ए के लिए क्या होगी, एन एस वन होगी।
यानी कि इनके आउटर मोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। देखें 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1। अब ये कुछ बच्चे जो है वो देख के परेशान हो रहे होंगे कि भाई ये हीलियम क्या लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, नियॉन क्या लिखा हुआ है। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ना थोड़ा संजीदा तरीके से लिखने का या अच्छे तरीके से लिखने का एक तरीकेकार ये भी होता है। अब जैसे मैं लिथियम की बात कर लेता हूँ, सही है भाई, लिथियम की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग देखें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s1, ठीक है जी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, 1s2, 2s1। अब हम ये बात जानते हैं कि 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक नोबल गैस की होती है जिसका नाम होता है हीलियम। क्या नाम होता है, हीलियम। तो ये 1s2 को हम लोग हीलियम से जो है वो रिप्लेस करवा देते हैं। अब ये जो हमारे लिथियम भाई है ना, इनकी पूरी कोशिश ये होगी कि ये 2s1 में से एक इलेक्ट्रॉन दे दें। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देके कैटाइन बना लेंगे तो ये हीलियम जैसा हो जाएगा, यानी कि ये अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट रूल जो है वो पूरा कर लेगा, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास जो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ठीक है जी। अब मैं ये बात जानता हूं कि 1s2, 2s2, 2p6 ये एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन की, तो इसको मैं रिप्लेस करवा दूंगा नियॉन से और हमारे पास एज इट इज 3s1 रखा रहने दूंगा। यही आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है 3s1 का, फिर ये जो है वो पर्टिकुलरली कोई भी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है जी। ये इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, आप लोगों को ना जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो तो फर्स्ट 30 याद करने ही करने, गौर से सुन लें मेरी बात भाई, बहुत ज्यादा गौर से सुन लें। घर में बैठे हुए आप लोगों को जो है वो एक होमवर्क असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ कि भाई आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर जो है वो याद करने, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर आपको शुरू के 30 तो याद करने ही करने, एमकेट वालों से मुखातिब हूँ, ईकेट वालों से मुखातिब हूँ भाई, फर्स्ट 30 तो याद करने ही करने हैं आपको एटॉमिक नंबर्स, सही है भाई, एटॉमिक नंबर्स। और जो एटॉमिक मासेस है ना, एटॉमिक मासेस वो आपको याद करने हैं 20, कितने याद करने हैं, फर्स्ट 20, फर्स्ट 20 एटॉमिक मासेस एंड फर्स्ट 30 एटॉमिक नंबर्स, गौर से बात जो है वो सुन लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो चीजें याद करनी है या जो चीज आपके जहन में होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि भाई ग्रुप 1A के एलिमेंट्स कौन कौन से, जैसे आपके टिप पे होने चाहिए नाम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब ये याद करना इतना आसान तो है नहीं, तो इसके लिए हम लोग कुछ शॉर्टकट टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, सही है भाई। जैसा कि हमारे पास यहाँ ग्रुप 1A की जो है वो शॉर्टकट टेक्निक मेंशन है, जिस शॉर्टकट टेक्निक को हमने कुछ इस तरीके से पढ़ना है, लास्ट नाइट खान रिसीव कैश, ये मेरे उस्ताद सर अब्दुल रहमान की ट्रिक है, लास्ट नाइट खान रिसीव कैश। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, लिथियम को। एन किसको कर रहा है, सोडियम को, एन ए होता है ना सोडियम। पोटेशियम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, खान का के, क्यों भाई, पोटेशियम के साथ होता है के। रुबीडियम को कौन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसीव, रिसीव का आर, आर भी होता है ना भाई। और सीजियम को सी, सही है भाई, लास्ट नाइट खान रिसीव कैश। थ्रू आउट जैसे जैसे मैं इनऑर्गेनिक का पोर्शन कवर करता चला जाऊंगा, जब जब हम किसी भी ग्रुप के ऊपर आएंगे तो हम उसके इस तरह के जो है वो शॉर्टकट पैटर्न्स को जो है वो याद करेंगे। लास्ट नाइट खान रिसीव कैश, ये आपके जहन में होना चाहिए। आप चाहें तो अपनी मदद से कोई भी इंटरनेट के ऊपर इससे ज्यादा आसान जो है वो शॉर्टकट टेक्निक भी जो है वो सर्च कर सकते हैं। अब मुझे भाई बचपन से यही याद हुई क्योंकि सर अब्दुल रहमान ने जो है वो हमें यही याद करवाई थी, तो मैं भी अब आगे आप लोगों को यही याद करवा रहा हूँ, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टेट के हवाले से। हमारे पास जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अगर हम इनकी फिजिकल स्टेट देखें तो ये सिल्वरी व्हाइट सॉफ्ट कलर के, बिल्कुल इनका जो है ना लाइट सा कलर होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर का जो है वो टेक्सचर होता है, बड़े हल्के से होते हैं ये जो है वो इनके फिजिकल जो है वो फैक्टर्स होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम मेटल की बात करूं तो बड़ा सॉफ्ट सा होता है, इतना सॉफ्ट सा होता है कि आपने मक्खन वाली छुरी देखी है जिससे मक्खन जो है वो हम लोग ब्रेड के ऊपर लगाते हैं, सोडियम उस छुरी से भी जो है ना वो 2 pieces के अंदर जो है वो कट जाएगा। लिथियम भी बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, और हमारे पास जो पोटेशियम है वो भी बड़ा सॉफ्ट सा होता है, और बड़ा ही जो है ना वो सिल्वरी इनका टेक्सचर होता है, बड़े खूबसूरत होते हैं दिखने में, सिल्वर सा इनका जो है वो कलर होता है। लेकिन एक बड़ी खतरनाक बात होती है इनके हवाले से, और वो ये होती है कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बड़े खतरनाक किस्म के जो है ना वो मेटल होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं।
लैब के अंदर अगर हम लोग जाए ना, जैसे आप फ्यूचर में केमिकल लैब्स के अंदर जब जाएंगे, आप में से जो स्टूडेंट्स केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जाएंगे या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, आगे जाके जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो स्टूडेंट्स जो आगे वर्क करेंगे यूनिवर्सिटीज में, या डी फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो जब लैब्स में जाएंगे तो उनका ये देखने को इत्तफाक होगा, जो आपका सोडियम होता है ना, सोडियम, ये रहा भाई सोडियम, सोडियम मेटल का जो टुकड़ा होता है ना, ये लैब के अंदर आपको मिलेगा कि भाई इसको ना एक बर्नी के अंदर रखा होगा, एक डब्बे के अंदर रखा होगा, जो डब्बा ऊपर से बंद होगा और इस डब्बे के अंदर ऑयल भरा हुआ होगा। कौन सा ऑयल? कैरोसिन ऑयल रखा होगा इसके अंदर, कैरोसिन ऑयल के अंदर ना इसको डिप करके रखा होगा। तो इसको कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों डिप करके रखा जाता है? क्योंकि भाई ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि फौरन हवा से ही जो है ना वो रिएक्ट कर जाता है, फौरन हवा से ही जो है वो पर्टिकुलरली ये रिएक्ट कर जाता है, हवा के अंदर जो मॉइस्चर मौजूद होता है, ऑक्सीजन का जो कंटेंट होता है उससे रिएक्ट कर जाता है। जैसी गर्मी आजकल कराची में पड़ रही है ना, अभी जैसी इस वक्त गर्मी मौजूद है, तो आजकल जैसी 12-1 बजे का टाइम गर्मी होती है, अगर इस गर्मी में आप लैब में जाएं और सोडियम को बाहर निकालें कैरोसिन ऑयल से और फौरन जो है ना वो हवा के अंदर फेंकें, उछालें, तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आग का गोला जा रहा है, क्योंकि फौरन जो है ना वो बकायदा एक्सप्लोजिवली जो है वो शोले के साथ जो है आपको दिखेगा कि भाई ये रिएक्ट कर गया और एक आग के गोले में तब्दील हो जाएगा फौरन जो है वो, और ये रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो है वो इस तरह के कंपाउंड्स को जो है वो क्रिएट कर लेता है। ठीक है जी, ये बातें हो गई इसकी रिएक्टिविटी के हवाले से। आप चलते हैं आगे। ठीक है जी, अब अगली बात हमारे पास क्या लिखी हुई है भाई, इनके फ्लेम कलर टेस्ट। ठीक है जी, अभी लास्ट टाइम जो है वो हाइड्रोजन का जो है वो टेस्ट आया आप लोगों के सामने, तो आप लोग जो है वो उसमें फ्लेम कलर्स वगैरह को देख के जो है वो थोड़ा सा डर गए थे, तो मैंने सोचा कि अब की बारी इसको भी इंक्लूड कर लूं, और इसकी थोड़ी सी जनरल नॉलेज स्टूडेंट को इस वजह से भी होनी चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड ना आप लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल किए थे, तो मेरा ये मानना है कि भाई इसकी भी थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स को नॉलेज हो, बिलखुसूस एमकैट वालों को और नस्ट वालों को नॉलेज हो जो कि AKU का टेस्ट दे रहे हैं, या MCAT के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि NEST का टेस्ट दे रहे हैं, उनको इसकी नॉलेज हो। क्योंकि देखें, भले ये पंजाब बोर्ड की किताब का टॉपिक है और पंजाब बोर्ड भी आपके ऊपर जो है वो कंपलसरी है कि उसके टॉपिक्स भी स्टडी करें, लेकिन एक इशू ये आता है कि आप लोगों ने इसकी प्रिपरेशन वाइवा के लिए भी की थी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की, तो अगर NED के इम्तहान में आ जाए या MCAT में आ जाए ना, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि मेरी बुक से या मेरे कोर्स आउटलाइन से बाहर आया भाई, चूंकि ये प्रैक्टिकल के अंदर मौजूद था ना, तो आपको नो आओ होनी चाहिए कि फ्लेम कलर टेस्ट जो है वो कौन से रेडिकल का जो है वो क्या शो होता है। ठीक है जी भाई, वैसे तो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजम आम हालात में जो है अगर आप देखोगे ना तो इनका कलर होता है सिल्वरी व्हाइट, लेकिन अगर आप इनके नमक को इनको जो है ना वो जलाओगे आग में, इनका फ्लेम कलर टेस्ट लोगे, सही है भाई, तो आपको लिथियम का जो है वो रेड कलर मिलेगा, क्रिम्सन रेड, सही है भाई, चीखता हुआ रेड, सोडियम का येलो मिलेगा, पोटेशियम का पेल वॉयलेट, रुबीडियम का वॉयलेट और सीजियम का ब्लूइश टाइप का मिलेगा। इसमें से लिथियम सोडियम पोटेशियम के कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। ये क्यों पूछे जा सकते हैं? क्योंकि ये भी एक तरह से अगर इनडायरेक्टली देखा जाए आपके कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई फ्लेम कलर ऑफ लिथियम या फ्लेम कलर टेस्ट ऑफ लिथियम गिव्स विच कलर, सही है भाई, तो आपको जो है वो पता होना चाहिए कि क्रिम्सन रेड देता है लिथियम, सोडियम येल्लो देता है। वैसे तो इनका जो फिजिकल कलर होता है वो सिल्वरी व्हाइट होता है, आप लोगों ने बचपन में ये मकाला पढ़ लिया होगा 9th क्लास की केमिस्ट्री में कि हमारे पास जितने भी भाई नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं ना वो व्हाइट कलर के होते हैं, सिल्वर कलर के होते हैं, ज्यादा रंग बिरंगे इनके कलर नहीं होते, ये बात तो आपने बचपन में पढ़ी थी। लेकिन जब आप इनको चूल्हे में जलाओगे ना तो चूल्हे का जो कलर होगा, जो आग का जो कलर होगा, वो कुछ इस तरीके का होगा। देखिए, मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी रिप्रेजेंट कर दिया है ताकि आपको कहानी जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर में नोट करो। आप लोग बेशक जब मेरी वीडियो देखते भी होगे तो आप लोग बोलते होगे कि सर भाई फजूल में इतना इम्फेसाइज करते हैं कि भाई कि हम लोग लिखते नहीं है, ये नहीं करते। आप लोगों ने भाई देखो लाजमी लिखना है, और अगर आप लोग नहीं लिखोगे तो आप अपना नुकसान करवाओगे, आप प्रॉपरली लेक्चर को जो है वो मेंटेन करते हुए चलो। ठीक है जी, अगली वीडियो वो अगले जो है वो हम लोग स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं, जनरल केमिस्ट्री ऑफ 2A ग्रुप। अब हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी थोड़ी बहुत जनरल बातें जो है वो देख लेते हैं। ठीक है जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल के हवाले से भी हमारे पास इसी तरह की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की लिस्ट अवेलेबल है। सही भाई, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है भाई, NS2, यानी के आउटर मोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे। ठीक है जी, बेरिलियम के 2s2, सही है भाई, और मैग्नीशियम में 3s2, कैल्शियम में 4s2, स्ट्रॉन्शियम में 5s2 और बेरियम में 6s2। ठीक है जी,
इसके अलावा रेडियम भी आता है, वो रेडियो एक्टिव है, तो उसको जो है वो हमने अभी काउंट नहीं करना, वो हमारी स्टडीज का हिस्सा नहीं है सेकेंड ईयर के कोर्स आउटलाइन में, ठीक है जी। और ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन का तो क्या चक्कर है, मैं आपको पिछली स्लाइड के अंदर ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ये इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, और यही जो है ना वो ज्यादा बेहतर मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने का, ठीक है जी। आपके एमकेट के पेपर में या एकेयू के पेपर में या नस्ट के पेपर में अगर इस तरह देखी जाए या एनईडी के पेपर में इस तरह देखी जाए तो भाई घबराना नहीं है, सही है भाई, किसी भी सूरत घबराना नहीं है, ठीक है जी। अब भाई ग्रुप 2A के हवाले से जो हमारे पास शॉर्ट कोड है वो है बिकॉज माई कार स्टॉप ब्रेकिंग, ठीक है जी। ये भी मेरे उस्ताद सर अब्दुल रहमान ने जो है वो मुझे इनायत किया था जब मैं उनसे पढ़ा करता था, उन्होंने हमें ग्रुप 2A के एलिमेंट्स का नाम जो है वो इस तरह याद करवाए थे, बिकॉज माई कार स्टॉप ब्रेकिंग, अपने पास नोट कर लें, ठीक है जी। बेरिलियम में बी आता था भाई, तो बी सही है भाई। मैग्नीशियम में एम, ये रहा एम सही है भाई। कैल्शियम में सी, ये रहा सी। स्ट्रॉन्शियम में एस, ये रहा एस, ठीक है जी। और ब्रेकिंग का बी जो है वो बेरियम को रिप्रेजेंट कर रहा है इसका बी, ठीक है जी। अगर इनके कलर की भी बात कर लें तो भाई ये भी ग्रेश व्हाइट टाइप के होते हैं, सही है भाई, और ये भी बासानी कट जाते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं बनिस्बत हमारे क्या कहते हैं ग्रुप 1A के एलिमेंट के, लेकिन फिर भी ये भी इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, यानी कि आप जो है इनके जरिए शीट्स भी बना सकते हैं, आप जो है वो इनको वायर में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलिएबल और डक्टाइल का जो है ये मतलब होता है, ये जो दोनों टर्म्स जो है वो आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ी थी। मेलिएबल कौन होते हैं भाई, मेलिएबल मटेरियल वो होते हैं कि जिनको आप शीट्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं भाई, कि जिनकी आप वायर्स भी बना सकते हैं। केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में डक्टाइल और मेलिएबल का मतलब ये होता है, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में डक्टाइल और मेलिएबल के डक्टाइल का मतलब जो है वो कुछ और होता है, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी की भाई, तो इसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है और इंक्रीज होती चली जाती है डाउन द ग्रुप, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं मैं, नोट करने वाली बात यह है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर नॉट सो रिएक्टिव, बेरिलियम और मैग्नीशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। वक्त के साथ साथ आपको ये बात जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी कि बेरिलियम और मैग्नीशियम इतने रिएक्टिव क्यों नहीं है। पिछली ही वीडियो के अंदर अगर आप याद करें, जब मैं आपको हाइड्रोजन पढ़ा रहा था ना, तो जब हम लोग आयनिक हाइड्राइड्स पढ़ रहे थे तो हमने ये बेरिलियम और मैग्नीशियम के पंगे पहले भी देखे थे। ये बेरिलियम और मैग्नीशियम थोड़े बदतमीज किस्म के, अपने ग्रुप के अंदर रहते हुए भी अपने ग्रुप जैसे नहीं है, क्योंकि आयनिक हाइड्राइड्स में हमने पढ़ा था कि भाई सिवाय बेरिलियम और मैग्नीशियम के सारे आयनिक हाइड्राइड्स बनाने की इस्तात रखते हैं। ये क्या बनाते हैं वो आप मुझे बताओगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है जी। आई थिंक सो, क्या पता पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हो, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इनके फ्लेम कलर टेस्ट के हवाले से, ठीक है जी। अगर हम लोग बेरिलियम की बात करें तो ये कोई कलर चेंज नहीं देता। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती का अमूमन कलर ब्लू टाइप का होता है, सही है भाई। जो मोमबत्ती का नेचुरल, सॉरी ब्लू नहीं होता, मेरे ख्याल में थोड़ा सा ऑरेंज और ब्लू मिक्स होता है, डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो अगर आप बेरिलियम का सॉल्ट या मैग्नीशियम का सॉल्ट इस्तेमाल करते हुए उसको जलाओगे ना, तो कलर पे कोई भी जो है वो फर्क पड़ा जो आपको दिखते हुए महसूस नहीं होगा, लेकिन कोई कैल्शियम का सॉल्ट मौजूद होगा तो वो ब्रिक रेड कलर में कन्वर्ट कर देगा फ्लेम को, और स्ट्रॉन्शियम जो है वो क्रिम्सन में जो है वो कन्वर्ट कर लेगा, सही है भाई। और हमारा बेरियम जो है वो एप्पल ग्रीन कलर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। तो ये फ्लेम कलर टेस्ट भी जो है वो नोट डाउन कर लें, इसमें आपको कैल्शियम का पता होना चाहिए ब्रिक रेड, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम भी एक नजर आप लोग देख लें तो बेहतर होगा, सही है। बहुत आसान है, इसको मेमोराइज करना, लिख लिख के भी याद हो सकता है और एक नजर देख के भी ये मेमोराइज हो सकता है, ठीक है जी। ये तो हो गए हमारे पास कुछ जनरल बातें ग्रुप 1A और 2A के हवाले से, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम लोग जनरल केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट की। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का मुख्तलिफ जो है वो हम लोग एलिमेंट्स के साथ रिएक्शंस जो है वो देखेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ किस तरीके के जो है वो रिएक्शन करते हैं थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल, ठीक है जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सही है भाई। जब भी कोई एस ब्लॉक एलिमेंट रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो प्रोड्यूस करता है ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस करता है भाई? ऑक्साइड। कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट जब भी रिएक्ट करेगा भाई ऑक्सीजन के साथ तो वो अपना ऑक्साइड बना लेता है। और देखा यह गया है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स के तमाम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात करूं, फेडरल बोर्ड की किताब में भी इस टॉपिक की बहुत अच्छी खासी अहमियत है, सिंध बोर्ड की किताब में भी बहुत अच्छी खासी अहमियत है। द ऑक्साइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम के अलावा।
अब ये बेरिलियम का क्या चक्कर है, इसके हवाले से भी बात करते हैं। बेरिलियम का जो ऑक्साइड है ना, ये बेसिक नहीं होता। बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो बेसिक नहीं होता, और ये बात फेडरल बोर्ड की किताब के अंदर क्लियर कट जो है वो मेंशन है कि बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो बेसिक नहीं होता, वो होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। क्या होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है जी, अब जरा आगे देख लेते हैं, इनके पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। ये आ गए भाई हमारे पास 1A के ऑक्साइड, और ये आ गए हमारे पास 2A के ऑक्साइड। ठीक है जी, अगर हम लोग इनको देखें, सबसे पहले 1A की बात कर लेते हैं भाई। लिथियम जब अपना ऑक्साइड बनाते हैं तो वो नॉर्मल ऑक्साइड होता है। क्या होता है भाई? नॉर्मल ऑक्साइड होता है। लिथियम का अगर आप पर्टिकुलरली रिएक्शन करवाएं किसके साथ? ऑक्सीजन गैस के साथ। ठीक है जी, तो आपको क्या मिलेगा भाई? नॉर्मल ऑक्साइड मिलेगा, Li2O। ठीक है जी, इस इक्वेशन को बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, मुझे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा, सर ये नॉर्मल ऑक्साइड क्या है? तो भाई नॉर्मल ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है कि जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 की। जरा देखते हैं भाई कैसे। लिथियम हमारा क्या होता है? ग्रुप 1A का एलिमेंट है। हर ग्रुप 1A का एलिमेंट जो है वो +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो एग्जिबिट करता है। तो यहां पर हमारे दो लिथियम है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? +2। इस हिसाब से ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? -2। और ऑक्सीजन के हवाले से हम ये बात जानते हैं कि इसकी जो प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो इसकी बुनियादी ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो -2 की ही होती है। तो हमारे पास लिथियम कैसा ऑक्साइड बनाता है भाई? लिथियम बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। अगर आप पर्टिकुलर कंडीशंस देखें तो उसके ऊपर आपको लिथियम अमूमन दिखेगा कि वो एक नॉर्मल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं सोडियम ऑक्साइड की। सोडियम परऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है भाई? सोडियम बनाता है परऑक्साइड। ये परऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1। क्या होती है? -1। अगर अगर आप मेरी वीडियो सही से नहीं देख रहे तो यहीं पर जो है पॉज करें और बकायदा इस बात को बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करें कि भाई नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है भाई? -2। परऑक्साइड के अंदर भाई क्या होता है? -1। ये बात अपने पास नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चेक भी कर लेते हैं भाई। ये हमारा Na2O2 है, इसका फॉर्मूला परऑक्साइड का सेम है। इसमें हमारे पास सोडियम क्या होगा? एक होता है +1 का, दो कितने के हो जाएंगे? +2 के। तो ऑक्सीजन कितने का होगा भाई? दो है यहाँ पे, तो एक हमारे पास किसका होगा? -1 का होगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है जी, अब ये हमारे पास आ गया सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारे पास पोटेशियम होते हैं या रुबिडियम होता है या सीजियम होता है, ये बनाता है सुपर ऑक्साइड। क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड। सही है भाई, सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1/2 की या -1/2 की। ठीक है जी, सुपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है भाई? -1/2 की, -1/2 की। ठीक है जी, अगर नहीं यकीन आ रहा तो चेक कर लेते हैं भाई। पोटेशियम क्या होगा भाई? एक है, +1 होगा। तो ऑक्सीजन कितना है भाई? ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो है -1/2 का। ठीक है जी, तो वैलेंसी को जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, ये हो जाएगा K1/2O। अब ये देखें इस तरह बुरा लग रहा है, तो थ्रू आउट जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हो गया KO2। सही है भाई, ये देखें इसका फॉर्मूला KO2 है, इसका RbO2 है, इसका CSO2 है। सही है भाई, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? ये सुपर ऑक्साइड है। सही है भाई, आखिरी के तीन सुपर ऑक्साइड होते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड होता है, और सबसे ऊपर लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है जी, सुपर ऑक्साइड के अंदर -1 होती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर ऑक्साइड के अंदर -1 होती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, और नॉर्मल ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की अपनी प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट जो -2 होती है ना, वो ही रिजाइड करती है। ठीक है जी, ये हो गई हमारे पास बातें ग्रुप 1A के हवाले से। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं ग्रुप 2A के हवाले से। मैं पहले बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने रट्टा लगाया ना कि भाई हमारे पास जब मेटल के नीचे 2 होगा और ऑक्सीजन के नीचे 1 होगा तो नॉर्मल है, और अगर किसी बच्चे ने रट्टा लगा दिया अगर Na2O2 अगर दोनों चीजों के साथ 2 लिखा है तो पर है, और अगर ऑक्सीजन के कदमों में 2 लिखा हुआ है तो वो सुपर है, तो मैं बता रहा हूँ वो बच्चा केमिस्ट्री की दुनिया में सीधा जहन्नुम रसीद होगा। क्यों जहन्नुम रसीद होगा? क्योंकि ये रट्टा अगर आपने लगा लिया ना तो ये रट्टा कामयाब नहीं होगा। क्यों? आपको वहां बाकायदा वर्क करना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, जो फॉर्मूला डिपेंड करता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे देखें नॉर्मल ऑक्साइड ऑफ लिथियम क्या है? Li2O। लेकिन नॉर्मल ऑक्साइड बेरिलियम भी बनाता है। क्या बनाता है? बेरिलियम भी नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है? BeO।
अब इसकी रीजन आपको कैसे समझ आएगी, बड़ी गौर से बात सुनिएगा भाई। आपका बेरिलियम जो है ना ग्रुप 2A का एलिमेंट है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, प्लस टू। ऑक्सीजन में जानता हूं कि नॉर्मल के अंदर क्या होगा, माइनस टू, तो प्लस टू माइनस टू एज अ होल जीरो हो गया। अब समझ आया चक्कर। इस वजह से अगर किसी बच्चे ने कदमों को देख के रट्टा लगा लिया ना कि भाई मैं ऑक्सीजन के कदमों में देख लूंगा, इसके कदमों में देख लूंगा, यहाँ वो गलती कर जाएगा, यहाँ पर रट्टा नहीं चलेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेंगे। आपके टिप पे बात होनी चाहिए कि ग्रुप 1A को अल्लाह ताला ने बोला है, ग्रुप 1A के एलिमेंट में हर एलिमेंट को अल्लाह ताला ने बोला है कि भाई तुमने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना है, इसीलिए ये लोग प्लस 1 के होते हैं। और ग्रुप 2A के तमाम मेटल्स को क्या बोला है कि तुमने दो इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तभी ये प्लस 2 के होते हैं। नॉर्मल में ऑक्सीजन को जो है वो हुक्म है माइनस 2 का, पर में ऑक्सीजन को हुक्म है माइनस 1 का, और सुपर में ऑक्सीजन को हुक्म है माइनस 1/2 का। तो अगर आपने रट्टा लगा लिया ना ये फॉर्मूलाज का, तो ये बात गलत हो जाएगी, आपने बकायदा वहां पे वर्किंग करनी है। बस एक चीज आपको मेमोराइज रखनी है कि भाई लिथियम जो है वो नॉर्मल बनाता है, सोडियम जो है वो पर बनाता है, और बाकी तीन जो है वो सुपर बनाते हैं। इसी तरह जब बात कर लें हम लोग ग्रुप 2A की, तो ग्रुप 2A के शुरुआती तीन एलिमेंट्स बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। मैग्नीशियम भी, कैल्शियम भी, बेरिलियम भी, तीनों के तीनों नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। और आपके जो एंड के दो हैं वो बनाते हैं परऑक्साइड। क्या बनाते हैं? परऑक्साइड बनाते हैं। अगर नहीं यकीन आ रहा तो देख लेते हैं भाई, बेरियम के ऊपर क्या चार्ज होगा भाई, बेरियम के ऊपर होगा प्लस 2 का, ठीक है जी। अब ऑक्सीजन जो है वो दो है, अब चूंकि एज अ होल इसका सम जो है वो जीरो है, तो जाहिर सी बात है एक ऑक्सीजन का माइनस 1 होगा, तभी 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी एक नॉर्मल जो है वो स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। ये बात आप लोगों में उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है जी। अच्छा आप यहाँ देख रहे होंगे कि बेरिलियम भी ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है? ऑक्साइड। बेरिलियम भी बना रहा है ऑक्साइड, बनाने में उसको मना नहीं है। ये देखें सबने ऑक्साइड बनाए, बेरिलियम ने भी बनाया, लेकिन ये जो बेरिलियम है ना, बेरिलियम, बेरिलियम का ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर नहीं होता। भले नॉर्मल ऑक्साइड बनाया इसने, लेकिन बेसिक इन नेचर नहीं होता। आप स्क्रीन पे और से देखें, आपको महसूस होगा कि इसके नॉर्मल ऑक्साइड को मैंने इटैलिक किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इटैलिक किया हुआ है। इसके अल्फाज थोड़े टेढ़े हुए हैं, ये मैंने टेढ़ा ही क्यों किया हुआ है, ताकि आपको याद रहे कि भाई ये नॉर्मल ऑक्साइड तो बनाता है, लेकिन इसका ऑक्साइड बेसिक इन नेचर नहीं होता। इसका ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक, सही है भाई। एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, मैं रिकॉल करवा देता हूँ, चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड के अंदर एज अ बेस बिहेव करें और बेसिक मीडियम के अंदर एज अ एसिडिक बिहेव करें, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हम लोग ट्रेंड्स के वाले से, बेसिक नेचर के ट्रेंड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है जी। मुझे ये बड़ा बेहतरीन मेथड लगा ट्रेंड समझाने के लिए, और अभी आगे ट्रेंड्स की ना भरमार है। इनऑर्गेनिक में आप लोग मुझसे अच्छे तरीके से वाकिफ हो गए कि कितने ज्यादा ट्रेंड्स जो है वो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है जी। गौर से देख ले, ये जो नीचे की तरफ डंडी जा रही है ना यूं, ये रिप्रेजेंट करती है डाउन द ग्रुप। क्या रिप्रेजेंट करती है? डाउन द ग्रुप। मैं अभी से ये बात इतना क्लियरली क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो के अंदर ना जब जब ट्रेंड आएंगे तो वो इसी पैटर्न के ऊपर मैं आप लोगों को जो है वो समझाऊंगा। ये जो रिप्रेजेंट करिए डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाते हुए, सही है भाई। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में नीचे जाते हुए पर्टिकुलर चीज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जैसे बेसिक नेचर है वो डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये लिखा हुआ है, सही है भाई। और लेफ्ट टू राइट, यानी कि हमारे पास जो हमारा विद इन अ पीरियड है, पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हुए हमारा बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बात जो है हमने इस तरह जो है वो आगे जाके पढ़नी है। ये पैटर्न अपने जहन में समझ लें, डाउन द ग्रुप क्या होगा ये लिखा हुआ होगा, और लेफ्ट टू राइट क्या होगा ये अंदर जो है वो बॉक्स के अंदर बकायदा मेंशन होगा, ठीक है जी। अब जरा हम लोग ट्रेंड देख लेते हैं किसका, बेसिक नेचर का। अगर हम लोग बेसिक नेचर का ट्रेंड देखें तो भाई डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाएंगे तो आपका बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि लिथियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है या सीजियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है, तो भाई सीजियम का ऑक्साइड जो है वो ज्यादा बेसिक है। मैं आपसे पूछूं बेरिलियम का ऑक्साइड ज्यादा, सॉरी मैग्नीशियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है या बेरियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है, तो आप बोलोगे कि बेरियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है। अब फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली इम्तिहान में सवाल आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक, ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, तो मोर बेसिक कौन सा, रुबीडियम, तो रुबीडियम पे टिक लगाना है, क्योंकि बेसिक नेचर क्या होता है भाई, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। अब आपको ये बात भी समझ आ गई होगी कि मैंने वो निमोनिक कोड्स आपको क्यों दिए, लास्ट नाइट खान रिसीव कैश बिकॉज माय कार स्टॉप ब्रेकिंग, एमसीक्यूज के अंदर ना एमकेट वाले और एनएडी वाले यही कार्रवाई आपके साथ करेंगे कि डिफरेंट ग्रुप के जो है वो पर्टिकुलर एलिमेंट्स दे देंगे। किसी भी ग्रुप के पर्टिकुलर एलिमेंट्स देने के बाद जो है आपसे पूछेंगे कि भाई किसका बेसिक नेचर ज्यादा है, किसका क्या ज्यादा है, किसका क्या ज्यादा है, किसकी आईपी ज्यादा है, किसका एटॉमिक साइज ज्यादा है। तो अगर आपको याद होंगे एलिमेंट्स के नाम,
मैं एटॉमिक नंबर नहीं बोल रहा, अगर आपको विद इन अ ग्रुप एलिमेंट्स के नाम याद होंगे उनकी सीक्वेंस के साथ, तो आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होगे, आपको कोई भी मसला दरपेश नहीं होगा, और वो एक नंबर आपको मुफ्त का मिलेगा। किसका मिलेगा भाई? मुफ्त का मिलेगा, बहुत आसान होता है इनको पहचानना, ठीक है जी। अब बात करते हैं लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट हमारा बेसिक नेचर होता है डिक्रीज। क्या हो जाता है भाई? डिक्रीज हो जाता है। क्यों भाई? अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि लिथियम हमारा जो है वो ज्यादा बेसिक है या बेरिलियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई लिथियम का ज्यादा बेसिक है। क्यों? लेफ्ट टू राइट जाते हुए पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारा बेसिक नेचर जो है वो घटता है, ठीक है जी। अगर मैं आपसे बोलूं सोडियम जो है वो ज्यादा बेसिक है या मैग्नीशियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है, तो आप बोलोगे कि सोडियम का ऑक्साइड जो है वो ज्यादा बेसिक है, क्योंकि हमारा लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या घटता है भाई? बेसिक नेचर घटता है, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो पैटर्न है ना इस तरह पीरियोडिक ट्रेंड समझने का, ये अच्छा लगेगा, ठीक है जी। हम लोग अब आगे चलते हैं, इसके पैटर्न के हवाले से हमने बात कर ली। अब है हमारे पास रिएक्शन विद वाटर। सही भाई, वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन देखेंगे किसके भाई? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के भाई। जब हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है? हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है, और ये भी बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं भाई? बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है जी। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो बेस, क्या भाई? देखिए दुनिया में दो चीजें होती हैं, एक होता है एसिड, सॉरी दुनिया बोल रहा हूं मैं, केमिस्ट्री के अंदर दो चीजें होती हैं, दुनिया में तो बहुत सी चीजें होती हैं, एक होता है एसिड और एक होता है बेस, ठीक है जी। अब बच्चे बोलते हैं ये अल्कली क्या है? सर ये बेस तो सही है, ये अल्कली क्या है? बच्चे अल्कली और बेस में कंफ्यूज रहते हैं, सही है भाई। तो मैं आज आपको एक बात क्लियर कर रहा हूं, बड़े गौर से सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब वो ये है कि भाई जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाए, जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाए, जो बेस बासानी पानी में घुल मिल जाए, उसको प्यार से बोला जाता है अल्कली। क्या बोला जाता है? अल्कली। जो बेस पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए उसको हम बोलते हैं अल्कली, ठीक है जी। तो अल्कली और बेस के दरमियान का जो फर्क है वो आप लोग याद रखिएगा, लिख लें अपने पास, ठीक है जी। ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई। हमारे जितने भी अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, यानी कि ग्रुप 1A और 2A के जितने भी मेटल्स है ना, ये बड़ा खतरनाक किस्म का रिएक्शन करते हैं पानी के साथ। इनको अगर आप पानी में डालो ना तो ये धमाके के साथ, एक्सप्लोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम को वैसे ही माँ बाप की बद्दुआ है, हमने थोड़ी देर पहले देख लिया था, हाइड्रोजन की वीडियो में भी देख लिया था कि इनका करेक्टर थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंट है। इनका करेक्टर क्यों डिफरेंट है? इसकी कोई ना कोई केमिकल रीजन है, इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर केमिकल रीजन है, और वो जो रीजन है ना वो आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर कि वो क्या रीजन है। और ये रीजन आप लोगों ने सेकंड ईयर के अंदर खुद भी पढ़ी थी, आप लोग जानते हो ये रीजन, आपको आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने जो है वो ये रीजन बताई थी कि भाई इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर रीजन है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम थोड़ा सा डिफरेंटली जो है वो बिहेव करते हैं। तो उस रीजन के ऊपर आपने रिकॉल करना, वर्क करना, और मुझे बताना है कि बार बार बेरिलियम और मैग्नीशियम थोड़ा अजीब सा नेचर, डिफरेंट नेचर अपने ग्रुप वाले एलिमेंट से क्यों दिखा रहे हैं। हमने हाइड्रोजन में भी ऑब्जर्व किया, हाइड्रोजन के चैप्टर में भी ऑब्जर्व किया, और अभी भी मुसलसल ये बात ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन ऐसा देखें हरगिज नहीं है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम पानी से रिएक्ट करते ही नहीं है, ठीक है जी। बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर जब पानी डाला जाता है ना, तो ये करते ही है कि अपने ऊपर एक मेटल ऑक्साइड की जो है वो कोटिंग बना लेते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं जैसे ही पानी से रिएक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, जब ये ऑक्साइड की कोटिंग बना लेते हैं ना तो पानी इनके ऊपर असरअंदाज नहीं होता। जब ये ऑक्साइड की शुरुआत में ही कोटिंग बना लेते हैं तो पानी इनकी फर्दर कोरोजन नहीं कर पाता। अगर आप ठंडा पानी लो वो बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर डालो ना, तो होगा ये कि ये रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा भी पानी डालोगे ऊपर एक ऑक्साइड की झिल्ली बन जाएगी, ऑक्साइड की कोटिंग बन जाएगी, प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाएगी, जो हमारे बेरिलियम और मैग्नीशियम है उनको फर्दर कोरोजन से पानी के जरिए जो है वो बचाएंगे, ठीक है जी। ये जो है वो बेरिलियम और मैग्नीशियम का करेक्टर है। अगर इसी जाने अगर आप एक नॉर्मल ठंडा पानी सोडियम में डालोगे तो बकायदा वो धमाके के साथ जो है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं इसके पर्टिकुलर रिएक्शन के वाले से। सबसे पहले देख लेते हैं अल्कली मेटल्स का रिएक्शन वाटर के साथ। भाई अल्कली मेटल्स का अगर रिएक्शन हम देखें वाटर के साथ, ये एम रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुप 1A के एलिमेंट को यहाँ पे इस इक्वेशन में, ठीक है जी। वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो ये MOH के जनरल फॉर्मूले के साथ जो है हमारे पास क्या बनाता है भाई? हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो है वो लिबरेट होती है, ठीक है जी। अगर आप ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की बात करें तो इनके जो
और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, NaOH, KOH, सही है भाई, इस तरह के जो है उसके फॉर्मूले होते हैं। देखिए ये बात यहाँ पर प्रूव भी हो गई, ठीक है जी। इसी तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल के हवाले से बात करें तो भाई ये किस तरह के फॉर्मूलाज बनाते हैं भाई, ग्रुप 2A का एलिमेंट OH टेकन ट्वाइस, ठीक है जी। आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, आपने जो है वो पर्टिकुलरली पढ़ा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आप सबका पसंदीदा भी होगा, ठीक है जी, बहुत ज्यादा पढ़ा है इसको, सही है भाई। ये बात समझ आई कि इनके जनरल फार्मूलाज किस तरह बनते हैं, ये केमिकल प्रिपरेशन भी इसकी जनरल इक्वेशन जो है वो दी हुई है। अब स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर आपने तो बोला मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करता तो MgOH क्यों लिख दिया भाई, तो थोड़ा सबर रखें अभी बता रहा हूं इसका चक्कर, ठीक है जी। भाई ग्रुप 1A का हर एलिमेंट जो है ना वो आपको हाइड्रोक्साइड बना के देगा, ग्रुप 2A का हर एलिमेंट आपको हाइड्रोक्साइड बना के देगा सिवाय मैग्नीशियम और बेरिलियम के। मैग्नीशियम और बेरिलियम भी हाइड्रोक्साइड बना के देते हैं लेकिन कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर। वो एक्सट्रीम कंडीशंस क्या है जरा देख लेते हैं। हमारे जो बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं, जो बेरिलियम होता है ना, बेरिलियम ये तो इतना ज्यादा स्टेबल होता है, ये सिर्फ पानी से तब रिएक्ट करता है जब H2O जो है वो स्टीम की फॉर्म में लिया जाए। किसके फॉर्म में लिया जाए, स्टीम की फॉर्म में, और उस स्टीम का टेम्परेचर होना चाहिए 700 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत 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 ज्यादा टेम्परेचर है स्टीम का। बहुत खोलती हुई स्टीम से अगर आप रिएक्शन करवाओ बेरिलियम का तो वो बना लेगा बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी। और आपका जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बॉइलिंग वाटर के साथ, खोलते हुए पानी के साथ जिसका टेम्परेचर हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, 100 या 100 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है MgOH। यानी कि ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर ये रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने खोलता हुआ पानी मैग्नीशियम पे डाला तो वो रिएक्ट करके MgOH बना लेगा टेकन ट्वाइस, ठीक है जी। अब आपकी किताब के अंदर ना मैग्नीशियम का बकायदा जिक्र भी है कि बॉइलिंग वाटर के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, तो अगर आपके पेपर में इससे रिलेटेड कोई MCQ आ जाए तो वो आपको संभालना है। बाकी बेरिलियम की जो इन्फॉर्मेशन है स्टीम वाली, ये मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ए लेवल्स की किताब से जो है वो फराम की है, ठीक है जी। लेकिन मैग्नीशियम के हवाले से आपके जहन में हमेशा होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड कब बनाता है, जब आप इसका बॉइलिंग वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन करवाओ। आई थिंक सो किताब के पेज नंबर 23 के ऊपर, मैं कन्फर्म नहीं हूँ लेकिन क्या पता किताब के पेज नंबर 23 के ऊपर ये बात लिखी हुई भी है, मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकता, लेकिन पेज नंबर 23 पे ये बात लिखी हुई है सिंगोट की किताब में कि मैग्नीशियम जो है वो बॉइलिंग वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन करता है, नॉर्मल वाटर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, वो ऑक्साइड की जो है वो अपने ऊपर कोटिंग बना लेता है, ठीक है जी। अब ये जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं जैसा कि NaOH हो गया, अल्कली मेटल्स के सॉरी हाइड्रोक्साइड होते हैं जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, ये पानी में बासानी डिजोल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, ये पानी में बासानी डिजोल्व हो जाते हैं। NaOH को पानी में डिजोल्व आप लोगों ने लैब के अंदर भी किया होगा, आप लोग ये बात अच्छे से जानते हो। KOH भी आसानी से जो है वो पानी में डिजोल्व हो जाता है। तो भाई चूंकि NaOH क्या होता है, एक बेस होता है, NaOH अगर पानी में डिजोल्व हो जाता है तो NaOH क्या बन जाएगा भाई, अल्कली बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्कली। फिर से रिवाइंड करके बात और से सुनना, NaOH क्या बन जाएगा भाई, अल्कली बन जाएगा जब वो पानी में डिजोल्व हो जाएगा। वैसे NaOH पाउडर फॉर्म में क्या होता है, बेस होता है, ठीक है जी। आपके ग्रुप 1A के जो क्या कहते हैं हाइड्रोक्साइड है, NaOH हो गया, KOH हो गया, ये जितने भी हाइड्रोक्साइड हैं ये बासानी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, यानी कि ये इतनी आसानी से पानी में डिसॉल्व नहीं होते, नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर ये पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, सही है भाई। इनको घोलना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, तब जाके ये थोड़े बहुत पानी में डिसॉल्व होना शुरू होते हैं, ये अच्छे तरीके से अल्कली नहीं बना पाते, ठीक है जी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, किताब के अंदर मेंशन है इसलिए मैंने आपको बता दी, और ये मेरे ख्याल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स के शुरुआत में ही बुक के अंदर ये बात मौजूद है। आप बुक खोल के जब रीडिंग करेंगे तो ये आपको पैराग्राफ के अंदर मिल जाएगी, ठीक है जी। अब इनकी भी जो है वो ट्रेंड्स देख लेते हैं। ये ट्रेंड वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, ये ट्रेंड आप लोगों को पता भी था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल करा तो मैंने इसको स्लाइड में इंक्लूड करवा दिया। इतने इंपॉर्टेंट ट्रेंड नहीं है, ये एक जनरल बात है जो आपको पता होनी चाहिए। एफिनिटी विद वाटर, एफिनिटी का क्या मतलब है भाई, मोहब्बत। एफिनिटी का क्या मतलब होता है भाई, मोहब्बत, ठीक है जी।
पानी से मोहब्बत जो हमारे एलिमेंट्स की होती है, ग्रुप वन ए के एलिमेंट्स की, वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, सही है भाई। अब जैसे मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम को पानी से इतनी मोहब्बत नहीं होगी जितनी किसको होगी, सोडियम को होगी, ठीक है जी। ये एफिनिटी विद वाटर का जो है वो ट्रेंड है, ठीक है जी। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो इनको ज्यादा होगी, और लेफ्ट टू राइट हम देखें तो पानी से मोहब्बत और ज्यादा जो है वो कम होती है, डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट कम होती है। अब जैसे मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम के उल्टे हाथ पे आपको मिलेगा बेरिलियम। लिथियम पानी से ज्यादा मोहब्बत करता है बनिस्बत किसके, बेरिलियम के। यानी कि अगर आपने लिथियम को जो है वो डाला पानी के अंदर, बेरिलियम को डाला, तो लिथियम फौरन पानी से रिएक्ट कर जाएगा, बेरिलियम रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसको पानी से मोहब्बत नहीं है। दूसरी जाने मैंने लिथियम पानी में डाला, सोडियम पानी में डाला, सोडियम पानी से ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर जाएगा लिथियम के बनिस्बत क्योंकि इसको पानी से ज्यादा मोहब्बत है। डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाती है हमारे पास एफिनिटी विद वॉटर, ठीक है जी। ये ट्रेंड इन जनरल क्यों है, क्योंकि इन जनरली हम लोग केमिस्ट्री के अंदर ये देखते हैं। अच्छा एक और बात मैं आपको बताता चलूं, मैं जितने भी ट्रेंड्स की डिस्कशन कर रहा हूँ ना, जैसे अभी मैंने एफिनिटी विद वाटर की बात कर ली, या इससे पहले मैंने बेसिक नेचर की बात कर ली, या आगे भी मैं ट्रेंड्स की बात करूंगा। देखिए अभी क्या चल रहा है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 में, तो अभी मैं जितने भी ट्रेंडों की बात कर रहा हूँ ना, ये वैलिड होंगे कहाँ तक, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A तक। अगर किसी बदतमीज किस्म के इंसान ने ये समझा कि ये ट्रेंड 3A पे भी लगा लूंगा मैं, 4A पे भी लगा लूंगा, 5A पे भी लगा लूंगा, तो वो गलती पर होगा। जब हम लोग पी ब्लॉक के ऊपर आएंगे तो पी ब्लॉक के मैं अलग से ट्रेंड बताऊंगा, जब हम लोग डी ब्लॉक के ऊपर आएंगे तो मैं उसके अलग से ट्रेंड बताऊंगा। जरूरी नहीं है कि हर मरतबा ट्रेंड कॉमन हो, कभी कभी जो है वो डिफरेंसेस आ सकते हैं, तो थोड़ा सबर रखना है। जब पी ब्लॉक पे आएंगे तो उनके भी ट्रेंड देख लेंगे। ये जो अभी भी मैं जितने भी ट्रेंड बता रहा हूँ ये सिर्फ वैलिड किसके ऊपर है, फिलहाल एस ब्लॉक के ऊपर वैलिड है। जब पी ब्लॉक पे आएंगे तो उनके भी हम लोग ट्रेंड देख लेंगे, आप लोग बस सबर रखिएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। अब है रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन के साथ ना बड़े खुशी खुशी रिएक्ट करते हैं हमारे मेटल्स, कौन से मेटल्स भाई, ग्रुप 1A और 2A के मेटल्स, क्योंकि हमने इससे पहले भी इसके बहुत से कंपाउंड्स जो है वो देखे हुए हैं, सही है भाई। और मजे की बात यह है कि जितने भी हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये जब भी हेलोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, हेलोजन गैसेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये आयनिक और सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स बनाते हैं या आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। हमेशा बॉन्डिंग नेचर क्या होता है, आयनिक होता है, एक्सेप्ट बेरिलियम, सिवाय किसके, बेरिलियम के। ये जो हमारा बेरिलियम है ना, इसको वैसे ही कोई ना कोई मसला है, इसको थोड़ी सी माँ बाप की बद्दुआ भी है। ये बेरिलियम जो है ना, ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, ये बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है जी। बेरिलियम बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है जी। बेरिलियम के हवाले से जो है मैंने आपको बता दिया, सिवाय इसके बाकी सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं हेलोजन के साथ, सिर्फ बेरिलियम बनाता है कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है जी। अब जरा इनकी बातें भी देख लेते हैं भाई। जब अल्कली मेटल्स रिएक्ट करेगा भाई हेलोजन के साथ, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, 2MX, सही है भाई, सॉरी MX। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा Na जब Cl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है भाई, NaCl बनाता है, ग्रुप 1A का एलिमेंट है, पोटेशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके बना लेता है KCl, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो KBr, ठीक है जी। Na जब I के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम आयोडाइड, सही है भाई। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, MX। इनकी प्रिपरेशन भी हमने देख ली। और हमारे अल्कालाइन अर्थ मेटल क्या जनरल फॉर्मूला बनाते हैं, MX2, ठीक है जी। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स क्या बनाते हैं भाई, जनरल फॉर्मूला MX2। इस बात का क्या मतलब हुआ, जैसे हम देख लेते हैं मैग्नीशियम को, मैग्नीशियम बनाता है MgCl2, कैल्शियम बनाता है CaCl2, तो हेलोजन के कदमों में 2 आ जाता है। अब स्टूडेंट्स को अमूमन इसमें मसला होता है ना, तो इसका भी मैं जनरल पैटर्न आप लोगों को बता देता हूँ कि ये किस तरह जो है वो फॉर्मूला डेवलप होते हैं, ठीक है जी। फॉर्मूला डेवलप करने का सबसे आसान मेथड होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के थ्रू। जैसे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि हमारे पास अगर अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई ग्रुप 1A का एलिमेंट है, सही है, ग्रुप 1A का एलिमेंट है, जैसे मेरे पास पोटेशियम, पोटेशियम अगर रिएक्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिएक्ट करेगा ये आयोडीन के साथ, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखें भाई पोटेशियम क्या होता है, +1, ग्रुप 1A का एलिमेंट है, आयोडीन ग्रुप 7A का एलिमेंट है, ये होता है -1, क्या होता है, -1, तो ये +1 इसके कदमों में चला जाएगा, ये -1 इसके 1-1 कदमों में, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पोटेशियम आयोडाइड। अब कोई भी अनसीन कंपाउंड आ गया, जैसे अल्मोनियम का कंपाउंड आ गया नाइट्रोजन के साथ, अल्मोनियम नाइट्रोजन के साथ जब कंपाउंड बनाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्मोनियम होता है +3, क्या होता है, अल्मोनियम +3, ग्रुप 3A का एलिमेंट है तो +3 होगा। नाइट्रोजन क्या होता है भाई, ग्रुप 5A का एलिमेंट है तो -3, सही है भाई, तो ये क्या होगा, अल्मोनियम नाइट्राइड, सही है भाई, ठीक है जी।
इस तरह जो है वो आपने जो है वो फॉर्मूले डेवलप करना है। जैसे अल्मोनियम का कार्बन के साथ, अब अल्मोनियम का कार्बन के साथ जो कंपाउंड बनता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? अल्मोनियम होता है प्लस का 3, कार्बन क्या होता है भाई 4, ठीक है जी, प्लस माइनस 4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, ये फॉर्मूला क्या बनेगा, Al कार्बन का 4 इसके कदमों में और अल्मोनियम का 3 कार्बन के कदमों में, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये इस तरह जो है वो हमारे पास फॉर्मूले डेवलप होते हैं, ठीक है जी। ये भी मैंने आपको तरीकेकार बता दिया। अब स्टूडेंट्स को जो है वो मैं एक और अपना फोन नंबर भी याद करवा देता हूँ पीरियोडिक टेबल का, जो कि आप लोगों को फॉर्मूला डेवलपमेंट में जो है वो बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है जी। इसको भी देख लेते हैं। 1A का नंबर होता है 1, प्लस का 1, 2A का नंबर होता है प्लस का 2, ये फॉर्मूला डेवलपमेंट इस तरह करनी है, ठीक है जी। 3A का जो नंबर होता है वो होता है प्लस का 3, 4A का नंबर होता है हमारे पास प्लस माइनस 4। अच्छा, फॉर्मूला डेवलपमेंट में हमें साइन का कोई काम नहीं है। 5A का नंबर होता है माइनस 3, 6A का नंबर होता है हमारे पास माइनस का 2, और 7A का हमारे पास नंबर होता है माइनस 1। और नोबल गैसेस की तो केमिस्ट्री है, उसके फॉर्मूलाज हमने अभी डिस्कस करने ही नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर रिएक्ट नहीं करते, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस के ऊपर कहीं जाके रिएक्ट करते हैं, ठीक है जी। ये नंबर आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये नंबर आपको फॉर्मूला डेवलपमेंट में और आपकी केमिस्ट्री आसान करने के लिए जो है वो मदद देगा, ठीक है जी। ये फॉर्मूला आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, ये आपको आगे जाके बहुत मदद देगा थ्रू आउट द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। ये तो बात हो गई हमारे अल्कली मेटल्स के हवाले से, ठीक है जी। अब जरा आगे देख लेते हैं, अब कुछ ट्रेंड है हमारे पास। तो सबसे पहला ट्रेंड हम देख लेते हैं, सही भाई। पहला ट्रेंड हमारे पास किसका है? एफिनिटी फॉर हेलोजन, हेलोजन से मोहब्बत का ट्रेंड, सही भाई। अगर हम हेलोजन से मोहब्बत देखें तो वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम को ज्यादा मोहब्बत होगी एक हेलोजन के एटम से बनिस्बत किसके, हमारे लिथियम के, ठीक है जी। सोडियम और पोटेशियम में कंपेयर करूं तो पोटेशियम को हेलोजन से ज्यादा मोहब्बत होगी बनिस्बत किसके, सोडियम के, ठीक है जी। और अगर मैं लेफ्ट टू राइट बात करूं तो हमारे पास, अगर मैं बात कर लूं किसकी, मैं बात कर लेता हूं लिथियम की, लिथियम के बराबर में होता है बेरिलियम। लिथियम को जितनी मोहब्बत होगी ना एक क्लोरीन के एटम से, उतनी बेरिलियम को नहीं होगी, क्योंकि एफिनिटी जो है वो लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा भी कुछ ट्रेंड्स मौजूद हैं जो कि फेडरल बोर्ड की किताब में मौजूद हैं, इसलिए मैंने यहां पर जो है वो मेंशन कर दिया। आयनिक नेचर का ट्रेंड, सही है भाई। आयनिक नेचर किसकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl, ये भी एक हमारे पास हेलोजन का ही डेरिवेटिव है ना, जो कि अल्कली मेटल से मिलकर बना, KCl, सही है भाई। इसी तरह अगर हम लोग बराबर में देखें तो बराबर में हो गया MgCl2, CaCl2, ठीक है जी। अगर मैं आयनिक नेचर की बात करूं तो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती है। अगर मैं KCl की बात करूं तो इसकी आयनिक नेचर ज्यादा है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट टू राइट बात करूं तो हमारे पास MgCl2 की जो आयनिक नेचर होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, NaCl की जो है वो ज्यादा होगी। इसी तरह लैटिस एनर्जी की बात करूं, आयनिक कंपाउंड्स जो है वो बेसिकली लैटिस स्ट्रक्चर की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, जिसके लिए हमें लैटिस एनर्जी देनी पड़ती है उन्हें तोड़ने के लिए। तो डाउन द ग्रुप क्या होती है भाई, लैटिस एनर्जी जो है इनकी फॉर्मेशन में इंक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट क्या हो जाती है भाई, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है जी। ये कुछ जनरल ट्रेंड्स की हमने बात कर ली जो और भी हमारे पास फेडरल बोर्ड के अंदर मौजूद थे, ठीक है जी। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड और देख लेते हैं हम लोग, और वो किसका है भाई, ये सॉल्युबिलिटी इन वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ये लैटिस एनर्जी और आयनिक नेचर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है भाई। तो इसको मैंने अलग से मेंशन कर दिया, चाहता तो इसमें भी घुसा सकता था, नहीं बल्कि नहीं घुसा सकता था, क्यों भाई, इसका ट्रेंड थोड़ा उलट है, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, तो जैसे अगर मैं देखूं NaCl और KCl, सही है भाई, NaCl के बराबर में कौन होता है भाई, MgCl2 और CaCl2। डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी हो जाती है डिक्रीज, डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है भाई, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, लेकिन लेफ्ट टू राइट हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये एनोमोलस ट्रेंड आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। डाउन द ग्रुप क्या होती है भाई, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होती है, इन वाटर बात हो रही है, सही है भाई। NaCl के बनिस्बत KCl की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होगी, KCl की सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी कम होगी, NaCl की हमारी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर NaCl और MgCl2 को कंपेयर करूं तो MgCl2 की, मैग्नीशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी,
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रेंड भी अपने पास अच्छे से नोट कर लें। इससे भी आप नहीं जानते कि कितने ज्यादा जो है वो सवालात क्रिएट करे जा सकते हैं। अब तक क्या आपने वीडियो लेक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देख ली होगी कि आपको एलिमेंट्स के नाम याद हो जाएं, दूसरी चीज ये कि आपको जो है वो उनके ट्रेंड्स भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएं, वो भी आपके जहन में हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं भाई। अब हमारे पास है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन मैं नहीं बताऊंगा, ये भाई मैं नहीं आपको बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा भाई? ये मैं इसलिए आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो रिएक्शन थे हाइड्रोजन के साथ, वो हम लोगों ने हाइड्रोजन के चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिए थे। कब डिस्कस किए थे भाई? हमने डिस्कस किए थे आयनिक हाइड्राइड्स के टॉपिक में। किसके में डिस्कस किए थे? आयनिक हाइड्राइड्स। तो उनके हवाले से जो बातें हैं वो आप लोग अच्छे तरीके से अब जान गए होंगे। आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जो आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं हमारे पास, वो बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसके हवाले से हमने एमसीक्यूज भी देखे थे, सही है। इसके अलावा भी आप बहुत सी और सी बातें जो है वो जानते हो, उनके जनरल फार्मूलाज भी आप खुद से डेवलप कर सकते हो क्योंकि आपने पढ़े हैं। तो ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद से स्टडी करनी है। अगर आपने सही से आयनिक हाइड्राइड्स को नहीं गो थ्रू किया वीडियो के अंदर, किताब के अंदर, तो दोबारा से जो है वो उसको गो थ्रू करें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब कुछ हमारे पास मिसेलेनियस रिएक्शन है। सबसे पहले जो है वो हम लोग सल्फर के साथ रिएक्शन देख लेते हैं भाई। अगर हमारा कोई भी ग्रुप 1A का एलिमेंट जो है वो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है जी, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं सोडियम की, सही भाई, सोडियम अगर हमारा रिएक्ट कर रहा है सल्फर के साथ, तो फॉर्मूला डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होगी? सोडियम प्लस का 1 है और हमारा सल्फर क्या होता है? नॉर्मली ग्रुप 6A का एलिमेंट है, माइनस का 2 होता है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये जो है वो सोडियम सल्फाइड इस तरह का जो है वो फॉर्मूला क्रिएट होगा। ठीक है जी, ये जनरल फॉर्मूला आपको डेवलप करने आने चाहिए। इस तरह मैग्नीशियम सॉरी कैल्शियम जैसे अगर कैल्शियम सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ इस तरह के फॉर्मूले की डेवलपमेंट होगी। ये प्लस 2 है और ये हमारे पास क्या है? माइनस 2 है। ठीक है जी, इनके ट्रेंड बताने लायक नहीं है क्योंकि इनके ट्रेंड किताबों के अंदर मेंशन ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनके कंपाउंड्स की नो हाउ होनी चाहिए और पता होना चाहिए इनकी थोड़ी बहुत केमिस्ट्री के हवाले से। ठीक है जी, और थ्रू आउट आप जो है वो इनऑर्गेनिक के पोर्शन में रिपीटेटिवली जो है वो इनके कंपाउंड्स को भी अक्सर देखेंगे। ठीक है जी, सॉरी इनऑर्गेनिक के पोर्शन में इनके कंपाउंड्स को हम लोग रिपीटेटिवली जो है वो अक्सर और बेशतर जो है वो देखेंगे। ठीक है जी, इसी तरह इसकी भी फॉर्मूला डेवलपमेंट सीख ली। नाइट्रोजन भी आप लोग खुद से कर सकते हैं फॉर्मूला डेवलपमेंट। अच्छा, एक चीज में बड़ी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताता चलूं जो कि इस स्लाइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अमूमन स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़े गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। SO4 नेगेटिव 2 ये होता है सल्फेट। क्या होता है? सल्फेट, SUL। अब कुछ लोग यहाँ पे PH लिख देते हैं, मैंने F लिख दिया FAT क्योंकि मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर सल्फेट की स्पेलिंग ये होती है। कुछ लोग इसकी स्पेलिंग यूं लिखते हैं भाई, SUL PH AT। अगर आप मॉडर्न स्कीम ऑफ स्टडीज देखें तो सल्फेट की स्पेलिंग चेंज करके SUL FAT, PH को रिप्रेजेंट कर दिया F से, सही है भाई। ये होता है सल्फेट, SO4 negative 2, सही है भाई। लेकिन हमारे पास SO3 negative 2 क्या होता है भाई? SO3 negative 2 होता है हमारे पास सल्फाइट। क्या होता है भाई? सल्फाइट। बड़े गौर से मेरी बात ये सुनिएगा कि भाई जब ITE आ जाए, टी फॉर टॉम, ITE अगर हमारे पास आ जाए तो ये होता है सल्फाइट। लेकिन अगर आपके पास लिखा आ गया सल्फाइड, IDE लिखा आ गया, अगर कुछ यूं लिखा आ गया आपके पास तो क्या करोगे? सल्फाइड क्या होता है भाई? सल्फाइड होता है सल्फर माइनस 2। जैसा कि मैंने अभी एक कंपाउंड यहां बनाया था Na2S, सोडियम सल्फाइड। अगर इसको किसी ने सोडियम सल्फाइट बोला तो वो सीधा केमिस्ट्री की दुनिया में कहां जाएगा भाई? सीधा जहन्नुम में जाएगा, वो केमिस्ट्री की दुनिया की जहन्नुम में जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि उसने गलत पढ़ दिया सल्फाइड में और सल्फाइट में, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सही है भाई। अब चूंकि इनके ऊपर चार्ज की वैल्यू आपको मैंने सबकी बता दी, इसकी माइनस 2, इसकी माइनस 2, तो फॉर्मूला डेवलपमेंट मैं नहीं करूंगा, आप लोग खुद से करोगे, आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो जानते हो। ये आपकी किताब में इतना डिटेल में भी नहीं है, लेकिन फिर भी बताना मेरा फर्ज है। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं भाई। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, और वो है हमारे पास नाइट्रोजन के हवाले से। अगर आपके पास लिखा हुआ है NO3 negative, NO3 negative होते हैं नाइट्रेट। क्या होते हैं भाई? नाइट्रेट होता है NO3 negative। लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ है NO2 negative,
तो ये होता है नाइट्राइट। क्या होता है भाई? नाइट्राइट। अगर आपने यहां गलती कर दी तो समझो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। नाइट्राइड और नाइट्राइड में फर्क है। अब एक और चीज होती है नाइट्राइड, मैं चाहता तो मैं इसको स्लाइड में ही मेंशन कर देता लेकिन मैंने अलग से समझाना इसलिए बेहतर समझा क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। नाइट्राइड क्या होता है? N-3। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 5A का। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके जो है अपने स्टेबल कंपाउंड्स की डेवलपमेंट करता है। तो N-3 का जो जो है वो रेडिकल होगा, क्या कहलाएगा भाई? हमारे पास नाइट्राइड कहलाएगा, IDE। ये बहुत जरूरी बात है बताना, मैंने जरूरी समझा, ठीक है जी। इसके अलावा कार्बोनेट क्या होता है भाई? ठीक है जी, ये होता है हमारे पास कार्बोनेट। ठीक है जी, ये हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं। इसके फॉर्मूला शायद यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक के साथ लिखा हुआ है। ये हमारे पास हमारा होता है कार्बोनेट, सही है भाई? कार्बोनेट के अंदर भी जो है वो मिस्टेक नहीं करिएगा, ठीक है जी। ये तो कुछ बातें हो गई हमारी इनकी जनरल केमिस्ट्री के हवाले से, जो हमने मिसिलिनियस की भी देख ली, इसकी भी जो है वो फॉर्मूला डेवलपमेंट कर लिएगा। इसके अलावा बाय कार्बोनेट होता है, आप लोग जो है वो उसके हवाले से भी बहुत बेहतरीन तरीके से वाकिफ हो, ठीक है जी। तो इनको भी जो है वो बड़े गौर से देख लीजिएगा, सही है भाई? और यहीं पर हम, मुझे इजाजत दें, मैंने आपको फॉर्मूला डेवलपमेंट वगैरह के हवाले से जो है वो इम्पोर्टेंट बातें बता दी और हमने इन बातों को जो है वो अच्छे तरीके से देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जनरल ट्रेंड देखेंगे। वीडियो के एंड में जो है वो मैं आप लोगों को कुछ बातें सजेस्ट करना चाह रहा हूँ और कुछ बातें समझाना चाह रहा हूँ। ये जो लेक्चर था ये जनरल केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आयनाइजेशन पोटेंशियल का, इस तरह के जो फिजिकल ट्रेंड्स हैं उनको देखेंगे। फिर अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रोसेसेस, जैसे आपके पास डाउन प्रोसेस था, इस तरह के मुख्तलिफ जो है वो कास्टनर केलर प्रोसेस था, इन प्रोसेसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल एक्सट्रैक्शन और कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे और फिर कुछ शॉर्ट नोट्स जो है वो आपकी किताब के अंदर मौजूद थे उनको देखेंगे कि वो एप्टीट्यूड के हवाले से जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। जिस तरह के एप्सम का नोट आपके पास मौजूद था और प्रोफेसर ऑडलिंग ने जो ब्लीचिंग पाउडर बनाया था जो है उसका जो है वो हम लोग शॉर्ट नोट देखेंगे कि भाई उसमें से जो है वो एप्टीट्यूड में सवाल किस तरह आ जाते हैं या उसमें आपको किन किन बातों का जो है वो ख्याल रखना है। इनऑर्गेनिक को हम लोग इस तरीके से जो है वो डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है जी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होती है।